हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सीबीएसई ने एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर दे दिया है स्कूल वालों को। सीबीएसई आस्क स्कूल टू सबमिट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर क्लास 9 एंड 11। यानी जो बच्चे 9th में आए हैं और जो अब 10th से 11th में आए, हालांकि 10th का रिजल्ट नहीं आया लेकिन 11th में आ गए हैं, तो उनका डेटा मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए डेटा चाहिए सीबीएसई को। हालांकि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और सेप्टेम्बर तक चलेगा। लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि इस बीच आपसे कोई फॉर्म फिल करवाया जाएगा, आपको स्ट्रीम दी जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर नेम, ये सारी चीज बहुत प्रॉपर सही से भरें, जो कि आपने 10th क्लास में भरी थी, जिससे कि आपकी जो क्योंकि जो जो आप 11th में डेटा भरोगे वही आपका 12th में जाएगा, वही आपके बोर्ड एग्जाम में वही मार्कशीट बनेगी, वो जिंदगी भर काम आने वाली है। जो चीज आपकी मार्कशीट में लिख जाती है वो जिंदगी भर काम आती है। उसमें कहीं गलती से, मैंने देखा कई बार बच्चों का नेम में कुछ गलती हो जाती है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इस टाइप की मिस्टेक ना करें, क्योंकि यही 11th वाली जो चीजें वही आपके 12th में जाने वाली, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी सी बात है, ध्यान रखना कभी भी कोई फॉर्म आए। साथ के साथ जो बच्चे क्लास 11th में है तो आपको एक फोल्डर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इस फोल्डर पर एक्सेस करना, इस पीडीएफ को खोलना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी है क्लास 11 की, ठीक है। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।